एक बाघ की मौत हो चुकी है, क्या मामला है यहाँ पर, क्यों किस कारण से ये मौत हुई? मौत आपसी लड़ाई की का एक परिणाम जो प्रारंभिक उसमें आ रहा है, क्योंकि मेल टाइगर जो होता है वो हमेशा बच्चों को मार देता है फीमेल के, क्योंकि उसका ये टाइम है मेटिंग का टाइम है टाइगर के, तो उस मेटिंग के उसमें चूँकि जब तक टाइगर के टाइग्रेस के पास बच्चे रहते हैं तब तक वो मेटिंग के लिए तैयार नहीं होती। अभी दो दिन पहले ही मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट का दर्जा मिला है, कर्नाटक दो बाघों के साथ 524 में था और 526 में मध्य प्रदेश था, आज एक हफ्ते के अंदर तीन बाघों की मौत हो चुकी है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बाघों को चूँकि काउंटिंग में सब एडल्ट्स को नहीं काउंट किया जाता है, इनकी काउंटिंग एडल्ट बाघ ही काउंट किया जाता है, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और कुछ अभी भी स्टिल बहुत सारा एरिया है जो जहाँ पे काउंटिंग इस क्षेत्र में पूरी नहीं हो पाई। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मध्य प्रदेश से वो जो बाघ स्टेट का दर्जा है वो छिन जाए, क्योंकि एक हफ्ते में तीन बाघों की मौत हो चुकी है? बाघ नहीं, सब एडल्ट हैं, और स्टेट चूँकि यहाँ पे बहुत नेचुरल हैबिटेट बहुत अच्छा है बाघ का, और निश्चित रूप से यहाँ पे जिस तरह से हम लोगों ने सघनता के साथ पेट्रोलिंग और इनके शिकार पे अंकुश लगाया है, निश्चित रूप से ये हमेशा बाघों की संख्या बढ़ेगी, घटने का प्रश्न ही नहीं उठता। बांधवगढ़ में T-33 जो है वो भी गंभीर रूप से घायल है लड़ाई को लेके, एक दूसरे बाघ से लेके, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी मतलब गंभीर रूप से तकलीफ में हो या बीमार हो? इसके बारे में चूँकि बांधवगढ़ का है उसके बारे में मुझे बहुत आइडिया है नहीं, साहब लोग ही ज़्यादा बेहतर वहाँ के प्रबंधन बता सकता है।